भारत के हृदय के साथ हिंदुस्तान के दिल की जुबान, शब्दों का स्पंदन, कविता की जान, हिंदी है ये मेरी भाषा, मेरी आशा, मेरी आन, मेरी पहचान। आइए इन शब्दों के साथ स्वागत करते हैं हमारी राजभाषा हिंदी के इस पर हिंदी दिवस का। हिंदी दिवस पर सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है, आप लोगों ने ही 73 वर्ष पहले मुझे भारत की राजभाषा बनाई थी। वे लोग जो अपनी साहित्यिक कृतियों पर काम करते हैं, वे मुझे इतना लोकप्रिय बनाया है। मैं उन सभी लोगों के प्रति मेरे दिल से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अब हम उन लोगों के पहला काम देखेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास के लिए सबसे पहले योगदान दिया है। हिंदी भाषा की सबसे पहली कविता है चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान नामक एक राजा की साहसिकताएं, राजकुमारी संयोगिता के साथ उनका प्यार, मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई आदि का वर्णन किया गया है। बनारसी दास द्वारा लिखित अर्थकथानक हिंदी भाषा की सबसे पहली आत्मकथा है। उसमें उन्होंने अपने बाल्यकाल के गुरुकुल पढ़ाई और उसके बाद बड़े होकर वह कैसे एक कामयाब व्यापारी बने आदि के बारे में जिक्र किया है। जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट ने शिक्षा के माध्यम से हिंदी का महत्व पहचान कर यह भाषा सीखी। वे हिंदी में ऐसी निपुणता हासिल की कि उन्होंने कई व्याकरणिक नियमों की रचना की, जैसे पदबंध, समास, संधि, वाक्य आदि। यह हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है और इसका नाम है A Grammar of the Hindustani Language। हिंदी भाषा की पहली पुस्तक है प्रेम सागर। इसमें श्री कृष्ण के जीवन के कई पहलुओं के बारे में कहा गया है, जैसे कि बचपन वाली शरारतें, लोकप्रियता और शोर वीरता आदि। ये पुस्तक लल्लू लाल ने लिखा था। उदंतमार तांड भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। हिंदी भाषा का पहला एक भाषी शब्दकोश है हिंदी शब्दकोशा, जो एक ईसाई पुजारी रेवरेज टी एडम द्वारा लिखा गया है। इस शब्दकोश में वर्णानुक्रम में 20,000 प्रविष्टियां हैं और ये पहला शब्दकोश है जिसमें व्याकरण संबंधी जानकारी को प्रत्येक शब्द के साथ बांध दिया गया था। हिंदी भाषा की सबसे पहली तिलिस्मी उपन्यास है देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता। इस कहानी की नायिका है विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और वह नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह से प्रेम करते हैं। साथ ही इसके घर नायक क्रूर सिंह भी राजकुमारी चंद्रकांता से शादी करना चाहता है ताकि वह उसके साम्राज्य को अपने काबू में ला सके। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 में मोहन राकेश द्वारा लिखित त्रिखंडीय नाटक है। प्रथम खंड में युवक कालिदास गांव में अपनी प्रेमिका मल्लिका के साथ प्रेम भरा जीवन बिताता है और अपनी कला विकसित कर रहा है। तब उज्जैन के राज दरबार से वहां पहुंचने का न्योता आता है और इस बात को लेकर कालिदास चिंतित है। द्वितीय खंड में पता लगता है कि कालिदास की ख्याति उज्जैनी में फैलती है, फिर वह राजकवि बनता है और वहां की राजकुमारी प्रियंगु मंजरी के साथ उनका विवाह होता है।
2013 को दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित राजा हरिश्चंद्रा हिंदी की सबसे पहली फिल्म है। आलम आरा हिंदी की सबसे पहली बातोनी फिल्म है। ये कहानी कुमारपुर का राजा और उनकी दो बेऔलाद देवियों के बारे में कहा गया है। चलो अब हम आलम आरा फिल्म के एक गाने का नृत्य रूप देखेंगे। हजरते गेसु दराज आप हैं बंदा नवाज, आप पे रोशन है सब टूटे हुए दिल। लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से, लौ लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से, लौ लगाई है मैंने लौ, लौ लगाई है मैंने लौ, लौ लगाई है मैंने लौ। मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से, मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से, लौ लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से, लौ लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से। ओ, मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से, मुश्किल आसान होती है ख्वाजा के नाम से। अब आप लोगों ने हिंदी साहित्य में सबसे पहले योगदान देने वालों को देखा। क्या आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पिता कौन है? चलो मैं ही बता देती हूँ। वह श्रेष्ठ व्यक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके बारे में जानना चाहते हो तो चलिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी और उर्दू भाषाएं सीख ली। भारतेंदु हरिश्चंद्र बिना हिंदी साहित्य अकल्पनीय होगा। उन्होंने अपने जिंदगी हिंदी साहित्य के विकास के लिए निछावर किया था। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उन्होंने साहित्य को जनता की गरीबी, पराधीनता, विदेशी शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण और उसके विरोध का माध्यम बना दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही साहित्य में जन भावनाओं और आकांक्षाओं को स्वर दिया था। उन्होंने कविवजन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और स्त्री शिक्षा के लिए बाला भोदनी नामक पत्रिकाएं निकाली। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। आज जो हिंदी हम लिखते बोलते हैं वो भारतेंदु के ही देन है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है।
हिंदी भाषा के प्रति भारतेंदु जी का लगाव और प्रतिबद्धता दर्शाने वाली उनकी कविता मातृभाषा के प्रति से कुछ सुने बगैर ये पर्व बेशक अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए आइए इस मनमोहक कविता का आनंद लें। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाही कसूर। अंग्रेजी पढ़ी के जतपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रह धीन के हीन। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोए। निज भाषा उन्नति बिना कब होना हे है सोए, लाख उपाय अनेक यो भले कर किन कोए। एक भाषा एक जीत एक मति सब घर के लोग, तबे बनत से सबन सो मिटत मुड़ता सो। और एक अति लाभ यह या में प्रकट लखा, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोई, ये गुण भाषा और महम कब हु ना ही होई। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पाद, विविध देश मत हो विविध भाषा विविध लखात। सब में तासो झाटी के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहू आहो भ्रात गत आए। इन सभी की बदौलत है मेरी शान, इसलिए जब तक कला और साहित्य है वैसा ही मेरा वजूद अमर रहेगा। आप सभी को धन्यवाद और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वे लोग जो अपनी आप सभी को धन्यवाद और इन हिंदी इस मैं मेरे दिल से इनसे